पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत झोंक दी है। इसके लिए पार्टी व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली सरकार लोक निर्माण मंत्री गोपाल राय और बुराड़ी विधायक मनोज झा रायपुर पहुंचे। वे सोमवार को साइंस कॉलेज मैदान से विजय यात्रा की शुरुआत करेंगे। गोपाल राय ने कहा, सभी दलों के कई प्रमुख चेहरे उनसे जुड़ने के लिए संपर्क में है। रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस से बात करते हुए गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में 5 साल सरकार चलाने के बाद आपने अपने काम के दम पर वहां दोबारा सरकार बनाई। दिल्ली में आपकी सरकार ने जनता के हित के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम क्षेत्रों में जो काम किए, उसने प्रदेश के अंदर नए मॉडल को खड़ा किया, जिसके दम पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। गोपाल राय ने कहा, पंजाब में अकाली दल की सरकार बार बार रही। पिछली बार पंजाब के लोगों ने अकाली सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 5 साल में कांग्रेस की सरकार जनता से किए वादों पर काम करने की जगह आपस में लड़ती रही। गोपाल राय ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। लगातार 15 साल तक भाजपा यहां सरकार बनाती रही। रमन सिंह बार बार वादा करते रहे, लोगों को धोखा मिलता रहा। पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो 2018 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। 3.5 साल में कांग्रेस ने जनता से किए वादों को पूरा करने की जगह वही हो रहा है जो पंजाब में हो रहा था। पहली बार आप चुनाव में उतरी थी, लोगों ने विकल्प के तौर पर कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन अभी पंजाब की जीत के बाद लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों के लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। गोपाल राय ने कहा, कई लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन बदलाव का वाहक तो आम आदमी ही होगा। रविवार को कई पूर्व अधिकारियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आपकी सदस्यता ली है। आम आदमी पार्टी ने अपने काम के दम पर दिल्ली में दोबारा सरकार बनाई। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो जनता के हित के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम क्षेत्रों में जो काम किए, उसने इस देश के अंदर एक नए मॉडल को खड़ा किया, जिसके दम पर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जो इस बात को दर्शाती है। पंजाब के अंदर लंबे समय से अकाली दल की सरकार बार बार रही। पिछली बार पंजाब के लोगों ने अकाली की सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर के कांग्रेस की सरकार बनाई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार जनता के लिए किए गए वादे पर काम करने की जगह आपस में लड़ती रही। पंजाब के लोगों ने देखा, कांग्रेस के लिए कुर्सी प्रथम है और जनता के दर्द और दुख का समाधान सेकेंडरी है। दिल्ली में लोगों ने पैरेलल देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसने किस तरह जनता के लिए काम किया। दिल्ली के कामों को देखते हुए इस बार उत्तराखंड पंजाब के अंदर वहां की जनता ने बदलाव किया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। हम पंजाब की तरह ही छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि 15 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार बनाई। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, बार बार वादा करते रहे और लोगों को धोखा मिलता रहा। जब लोगों के सर से ऊपर पानी गुजर गया तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। लगभग 3.5 साल होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने खास तौर से जो नौजवानों के लिए वादा किया, मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े वादे किए गए, उन वादों पर फोकस करके जनता के लिए काम करने की जगह छत्तीसगढ़ में भी वही काम हो रहा है जो पंजाब में हो रहा था।
कांग्रेस के अंदर इस बात के लिए संघर्ष चल रहा है कि कैसे कब मुख्यमंत्री बदला जाए, कौन कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये हटेंगे कि वो आएंगे, वो जाएंगे तो कौन आएगा। इसी रस्साकस्सी में 3.5 साल लगभग गुजर गए। आज छत्तीसगढ़ के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी थी, बहुत सारे जगह मुझे भी जाने का मौका मिला। लोग एक ही बात कह रहे थे कि अभी पार्टी पहली बार लड़ रही है चुनाव, इस बार बदलाव करना है, एक मौका देना है। लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन अभी तक धोखा मिला है लोगों। इसलिए अभी पंजाब में विजय के बाद लगातार छत्तीसगढ़ से हजारों लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए। लोग छत्तीसगढ़ के अंदर भी बदलाव करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के एक मौका देना चाहते हैं। उसी लक्ष्य को लेकर के हमारे विधायक संजीव झा जी के साथ मेरा 2 दिवसीय यहाँ दौरा है। आज शाम को तमाम संगठनों के और लोगों के साथ हमारी बैठक है। अभी कई सारे संगठनों के लोग, सामाजिक कार्य करने वाले लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कल रायपुर के अंदर बदलबो छत्तीसगढ़ विजय यात्रा आम आदमी पार्टी ने रायपुर शहर में निकालने की तैयारी शुरू की है। कल साइंस कॉलेज से ये विजय यात्रा शुरू होगी, जहां 10 बजे लोग इकट्ठा होंगे और शहर के अंदर इस संदेश को लेकर के हम लोग जाएंगे। साथ ही साथ पिछले नवंबर के महीने में जब सम्मेलन हम लोगों ने किया था, उसके बाद से ब्लॉक कमेटियां के गठन का लक्ष्य हमने रखा था, जिसे 90% आम आदमी पार्टी ने पूरा किया है। और अब बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान की तैयारी पार्टी कर रही है। कल रोड शो के बाद शाम को प्रदेश की जो कमेटी है आम आदमी पार्टी की, उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे और अगले एक महीने पूरे प्रदेश में विधानसभावार 90 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान को तेज किया जाएगा। और सदस्यता अभियान के बाद फिर प्रदेश व्यापी आंदोलन की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। तो अगले विधानसभा चुनाव को लक्ष्य रखते हुए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोगों के अंदर बदलाव का एक रिस्पॉन्स दिख रहा है, उसके अनुरूप हम 2 दिन में अपनी रणनीति बनाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर तमाम नए लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराते हुए इस छत्तीसगढ़ के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह एक काम करने वाली सरकार बनाने की तरफ बढ़ेंगे।